हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो पहले तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी बिकॉज आई एम ऑन डाइट। सो मैंने सोचा आई एम आउट, बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ी कैलोरीज बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, हम भी जिम चले जाएंगे। बट तब मेरी इनर वॉइस ने मुझसे कहा, बहन ये सब दोगलापन, ये सब क्या कर रहे हो तुम। बट देन मैंने सोचा कि नहीं, मंचीज के लिए प्यार है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो मैंने ये शार्क टैंक इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए एंड मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। सो मैंने डील लॉक कर दी। सो इस डील के बदले आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए थे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर, प्रोडक्ट्स लेकर। सो मैंने काफी एपिसोड्स फॉलो किए, मैं सीजन को फॉलो करती थी। सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं एंड खाने पीने की चीजें और कुछ रैंडम चीजें हैं। सो मैं ट्राई करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज गोइंग टू बी फन एंड बाय द वे दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो मैं ऑनेस्टली मुझे कैसा लगा पैकेजिंग एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग, सो मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है बाम्बू इंडिया से एंड इनकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी। सो मैंने ऑर्डर किया है टूथब्रश, पर इसके साथ मुझे टंग क्लीनर भी मिला है। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ लगा कि एक ब्रश ही रिसीव होगा मुझे। सो मैंने इस तरह से तीन मंगवाए हैं टोटल। सो जिसके अंदर आता है एक ब्रश एंड वन टंग क्लीनर। दिस इज मेड अप ऑफ बैम्बू। शार्क टैंक इंडिया में एक कपल आया था जो पुणे में अपना प्रोडक्शन करते हैं एंड दे बिलीव इन मेकिंग ऑल इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। सो इनके पास सिर्फ टूथब्रश और टंग क्लीनर ही नहीं, रेजर्स है, सोप ट्रेज है, ईयरबड्स है, कोम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाम्बू से बनी हुई है। ब्रश काफी स्टर्डी है, यहाँ पर उनका लोगो है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे एक प्रॉब्लम थी जो थी टंग क्लीनर से, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ठीक से, सो ये जो है बाम्बू स्टिक्स वो पील ऑफ हो रही है। सो दैट कैन बी हर्टफुल व्हेन यू आर डूइंग यू नो टंग क्लीनिंग। सो ये सारे ही प्रोडक्ट्स में मुझे सिर्फ टंग क्लीनर में प्रॉब्लम आई। सो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था तो मैंने अपनी कंप्लेन, अपना फीडबैक दिया, रजिस्टर करवाया, दैट कैन बी हेल्पफुल टू देम टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस बिकॉज ये कभी कभी लग जाएगा। सो दिस वॉज द वन एंड दिस रिटेल मी वन फॉर 99 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। सो आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ओवरऑल आई लव दिस प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली भी है एंड ये काफी अच्छा ऑप्शन है। सो यस, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने पिक किया है फ्रॉम कामधेनु फूड्स। दिस गाइज आर इन टू ड्राई फ्रूट बिजनेस। ये वेंडर से फ्रूट्स लेते हैं एंड देन उन्हें ड्राई करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया में भी सेल करते हैं। सो ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, दिस इज माय सेकंड परचेज बिकॉज आई लव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है और ये एक जिप लॉक पाउच है, सो मैं इसे पर्स में भी इजीली कैरी कर सकती हूँ। और जो ये मसाला फ्रूट का पैकेट है मुझे 125 में रिसीव हुआ है फॉर 100 ग्राम्स। और मैंगो चंक का जो पैकेट है वो मुझे रिसीव हुआ है 150 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स। मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है बोलते बोलते बिकॉज ये बहुत ही टेस्टी और मुझे इस तरह की चीजें खाना काफी पसंद है। सो जो ये फ्रूट वाला है मसाला फ्रूट, उसके अंदर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स आते हैं जो थोड़ा मसाला से कोटेड है। सो इसके अंदर है पाइनएप्पल, बनाना, पपाया एंड आंवला। नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ मैंगो चंक्स एंड ये बिल्कुल ही आम पापड़ जो होता है, आम रोटी बोलते हैं, उसी तरह से लगता है बट काफी फ्लेवरफुल और यम है। एंड ओवरऑल आई लव दिस प्रोडक्ट एंड 10/10 फॉर दिस प्रोडक्ट बिकॉज मुझे इस तरह से मंचिंग करने के लिए कुछ चटपटा चाहिए रहता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन हैव। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी खाने की चीज है। एज यू गाइज नो मुझे मंचिंग करना काफी पसंद है, सो मैंने मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े खाने पीने टाइप्स ही मंगवाए हैं। सो नेक्स्ट दैट आई हैव ऑर्डर इज फ्रॉम बियॉन्ड स्नैक, केरला बनाना चिप्स ओरिजिनल स्टाइल। नेक्स्ट है सार क्रीम एंड अनियन एंड फासले एंड नेक्स्ट है पेरी पेरी। मेरे पास मुझे इनकी पैकेजिंग काफी पसंद आई, काफी लाउड और पॉपिंग कलर्स यूज किए हुए हैं, सो देखने से भी पैकेट काफी अच्छा और कलरफुल ब्राइट लग रहा है। आई एम ट्राइंग सार क्रीम अनियन एंड पार्सले एंड इसकी क्वांटिटी भी डिसेंट है। दिस इज फॉर 90 रुपीज और जैसे कि उन्होंने अपने पैकेजिंग पे लिखा हुआ है सुपर थिन चिप्स, ये वैसी ही पतली चिप्स है। एज यू कैन सी जो हमें बाहर मिलती है वो थोड़ी थिक होती है बट ये काफी पतली है। लेट्स ट्राई कैसा टेस्ट करता है ये। बहुत ही यम है,
काफी थिन और क्रिस्पी है ये चिप्स, और जैसे कि नेम सजेस्ट, सार क्रीम एंड अनियन पार्सले है इसमें। सो ये वैसे ही टेस्ट आता है जैसे हम क्रीम एंड अनियन वेफर्स खाते हैं, सो ये उसी तरह का टेस्ट है। आई विश थोड़ा जो उन्होंने ये सार क्रीम अनियन एंड पार्सले का जो पाउडर स्प्रिंकल किया है वो थोड़ा ज्यादा होता तो और फ्लेवरफुल लगती, मुझे थोड़ा कम लगा, बट ऑल इन ऑल मंचिंग के लिए तो काफी अच्छा है। सो यस, आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और एक फ्लेवर है विच इज ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। सो यस, मैंने तो अपने लिए ये तीन मंगवाए थे बिकॉज मुझे ये तीन फ्लेवर काफी पसंद आए थे। एंड दिस आर ऑल फॉर 90 rupees ईच। खाने पीने की बात तो बहुत कर ली, बट फिट रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दो लोग आए थे अपना एक बिजनेस मॉडल लेकर जो हेल्थ एप्लीकेशन को लेकर है, विच इज ग्रो फिटर। सो दिस एप्लीकेशन इज इन टू रिवॉर्ड एंड फिजिकल एक्टिविटीज करवाती है आपसे, आपको रिवॉर्ड देती है। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सिंपली लॉग इन करना है एंड आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती रहती है उसकी आपको ट्रैकिंग भी मिल जाएगी, लाइक जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग। सो आप वो ट्रैक भी कर सकते हो। और आपको जो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आप उससे प्रोटीन शेकर्स, मैट्स है, बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको मिलेंगे। बट आपको एक कुछ नॉमिनल फी भर के आपको एक सब्सक्रिप्शन भी लेनी होती है जिससे आप बड़े रिवॉर्ड्स भी यू नो अचीव कर सकते हो। सो यस, अगर आपको इस तरह का कुछ मोटिवेशन चाहिए, एक्सरसाइज करना है एंड आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, देन आई थिंक यू शुड चेक आउट दिस एप्लीकेशन बिकॉज इस तरह से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते तो काफी अच्छा लगता है, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था ये एनर्जी ड्रिंक एंड मुझे इसका पैकेजिंग काफी अच्छा लगा। ये बेरी फ्लेवर है, इसमें एक और फ्लेवर था विच इज कोला फ्लेवर। सो मैंने ये दो टिन मंगाए हुए थे बेरीज के एंड एक तो मैं पी चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ, सो एक मैंने बचा के रखा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो दिस रीड्स नो कार्ब ड्रिंक, दिस इज एनर्जी ड्रिंक एंड इसमें नेचुरल कैफीन शुगर फ्री है एंड ये मुझे रिसीव हुआ था ऑलमोस्ट 170 rupees टू टिन्स एंड ये 250 ml का है। सो अभी हम इसे ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं ये कैसा टेस्ट करता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने तो ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। पहले थोड़ा सा लेते हैं और ट्राई करते हैं, काफी ब्लू है, ब्लू चैलेंज में अच्छा लगेगा। गाइज लेट मी नो इफ यू गाइज वांट मी टू डू ब्लू कलर चैलेंज, आई विल डू इट फॉर यू। सो इसे ट्राई करते हैं। मुझे ड्रिंक काफी ओकेश लगी, मतलब जो पीते हैं वो पसंद करेंगे बट मुझे काफी ओकेश लगी बिकॉज मुझे ये सिरप टाइप जो टेस्ट के यू नो ड्रिंक्स होते हो काफी पसंद नहीं आते ज्यादातर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें विनीता सिंह ने इन्वेस्ट किया था। ऑल इन ऑल गुड ऑप्शन, एनर्जी ड्रिंक में भी बहुत सारे अवेलेबल है अभी। आई फाउंड दिस ओकेश, ये भी आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा एंड इसकी डिलीवरी मुझे थोड़ी सी लेट मिली थी, बाकी सारे प्रोडक्ट्स मुझे एक दो दिन में ऑलमोस्ट मिल गए थे अमेजोन से और कुछ मैंने एक दो वेबसाइट से ऑर्डर की थी तो वो सारी टाइम पर आ चुकी थी। नेक्स्ट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था ये सोप, दिस इज फ्रॉम द सैस बार एंड ये मुझे काफी अच्छा लगा। पैकेजिंग बहुत क्यूट सा है, मुझे काफी अच्छी तरीके से रिसीव हुआ था इस तरह से बॉक्स बैग में और ऊपर भी अच्छे से लेयरिंग थी एंड मैंने इनकी वेबसाइट से ये ऑर्डर किया हुआ था। सो ये मुझे एक दिन में रिसीव हो गया था। सो इस तरह से आपको ये खींचना है एंड देन आपको मिलेगा आपका डिजर्ट सोप। सो ये मैंने ऑर्डर किया था एक कप केक, सो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। सो मैं जब उनकी वेबसाइट पे देख रही थी तब मुझे काफी अच्छे अच्छे सोप दिख रहे थे, लग्जरी सोप, दे आर इनटू डिजर्ट सोप मेकिंग विच इंक्लूड्स कैंडीज, मैक्रून्स, डोनट्स, कपकेक्स, बहुत सारी चीजें। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने उनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, मुझे एक दिन में ये ऑर्डर रिसीव हो चुका था, काफी पैकेजिंग स्टडी था, कुछ भी डैमेजेस नहीं हुए, बहुत ही अच्छे से रिसीव हुआ मुझे। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 270 rupees फॉर दिस कपकेक। सो ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा बट अगर हम आउटकम और जो ये लग्जरियस सोप का ही कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो काफी डिटेलिंग है, काफी हार्डवर्क जाता है इसमें, सो वर्थ इट भी है बट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा फॉर दिस लिटिल कपकेक 270 rupees। बट ऑल इन ऑल इट्स गुड, गिफ्टिंग ऑप्शंस के लिए काफी अच्छा है, कपकेक्स, मैक्रून्स एंड कैंडीज अगर हम गिफ्ट करते तो काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा, इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, इसका आउटपुट काफी अच्छा है,
इट वॉज जस्ट द प्राइस पॉइंट दैट वॉज लिटिल एक्सपेंसिव. इसमें टैक्स भी इंक्लूसिव थे और डिलीवरी चार्जेस भी मैंने पे किए, बट ऑल इन ऑल अ गुड प्रोडक्ट. इसमें अनुपम और गजाला ने इन्वेस्ट किया था, शी गॉट दिस डील. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम वीडियो को एंड करेंगे ऑन अ स्वीटर नोट विद दिस आइसक्रीम्स. सो ये है फ्रॉम गेटो वे ऑल हाई प्रोटीन एंड गिल्ट फ्री आइसक्रीम. सो हम जैसे कि डाइट पर होते हैं और आइसक्रीम और मीठा कुछ खा नहीं पाते हैं, सो दिस इज द बेस्ट फॉर्म टू हैव आइसक्रीम्स बिकॉज इसमें उन्होंने वे डाला हुआ है. दिस इज शुगर फ्री एंड दिस इज हाई इन प्रोटीन. सो मैंने जो तीन फ्लेवर्स ऑर्डर किए थे वो थे कीटो फ्रेंडली टेंडर कोकोनट, दूसरा था कॉफी रोस्टेड आलमंड, थर्ड फ्लेवर आई ऑर्डर्ड वॉज कीटो फ्रेंडली ब्लूबेरी चीज केक. मुझे इनकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगी, इस तरह से क्यूट टब में, एंड आपको बड़े साइजेस भी मिल जाएंगे. दिस इज 125 ml और मैंने ये स्विगी से ऑर्डर किया था फॉर 437 rupees. दिस इज ऑल इंक्लूसिव डिलीवर चार्जेस एंड टैक्सेस. सो मुझे प्राइसिंग वाइज मुझे काफी आइसक्रीम फॉर दिस थ्री टब्स 437 कुछ ज्यादा ही लगा. वेरी वेरी सॉल्टेड कैरेमल, बहुत सारे फ्लेवर्स वहां पर अवेलेबल है. सो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ ब्लूबेरी चीज केक. आई एम ऑन डाइट सो दिस इज गुड फॉर मी. मैं एक दो चम्मच खा ही लेती हूँ. शुगर काफी फील ही नहीं हो रहा बिकॉज दूसरी अगर हम आइसक्रीम खाएंगे तो काफी शुगरी और काफी मीठा मीठा लगता है. इसमें बहुत ही टेस्ट बैलेंस है एंड इसमें ब्लूबेरी के चंक्स है बीच में, काफी क्रीमी और अच्छा लग रहा है. अब तो समर शुरू हो गए तो आइसक्रीम खाने का और शेक्स पीने का जूस पीने का काफी मन करता है. काफी अच्छी और क्रीमी है ये भी. एंड आई मस्ट से मुझे पैकेजिंग काफी अच्छे से एक जिप लॉक पाउच में हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक आइस का स्लैब डाला हुआ था ताकि आइसक्रीम पिघल ना जाए. कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है. मुझे चॉकलेट मैंगो ये वाली आइसक्रीम पसंद है खाना. मोस्टली मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम और पेस्ट्रीज खाना पसंद करती हूँ. सो अभी तो गर्मियां भी शुरू हो चुकी है तो काफी काफी मन करता है कि हम आइसक्रीम और कुछ ठंडा ठंडा पिए या खाए. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी एंड लेट मी नो आपको इसमें से कौन से प्रोडक्ट पसंद आए, आपने कुछ ट्राई किया है या नहीं. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.